असलम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास आज हम लूसी ग्रे कम्प्लीट करेंगे ट्वेल्थ पेज निकाल लें फ़ाइव पॉइंट्स पे और uh, हमारे पास जो स्टैंडा जहाँ से हमने स्टार्ट करना है uh, वो नंबर फोर स्टैंडजा नंबर फोर है द वेप्ट एंड टर्निंग होम वर्ड क्राइट अब जो हमने प्रीवियस uh, लेक्चर में कवर किया था वो ये था कि लूसी वॉज एक्चुअली लॉस्ड इन द स्टॉम एंड Uh, her parents tried their best to find her, but they were not successful and were not able uh, to find her anywhere. And all the night they spent in great shock and crying. तो उसी से हम आगे उसी को अपने उसको connect करके तो इसको वो करना है कि दे वर वेपिंग एंड क्राइंग एंड दे वर नाउ रिटर्निंग टू देर होम इन हैवन वी ऑल शैल मीट और उन्होंने सोचा कि अब हमारी मुलाकात जन्नत में होगी वेन इन द स्नो द मदर स्पाइट द प्रिंट ऑफ लूसीज फीट तो उसी वक्त जो लूसी की वालदा थी उसको बर्फ के अंदर लूसी के जो पाउंड थे उसके निशान नजर आए सो देर वेरी होपलेस एंड हेल्पलेस एंड नाउ दे आर रिटर्निंग टू देयर होम एंड देट दैट इट्स नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड to see their child again and they will see their child in heaven and uh, at that time the mother of lucy she um, uh, suddenly saw lucy's footprints um, in the snow then downwards from the steep hills edge or phir wo us अमूदी पहाड़ी के उस किनारे से नीचे की तरफ चल पड़े जहाँ से ज़ाहिर है उनको उसकी वालदा को वो नज़र आए थे उसके um, पाओ के निशान दे ट्रैक द मार्क्स स्मॉल एंड थ्रू द ब्रोकन हाउन हैज और उन्होंने उसको ट्रैक करते हुए उसके जो पाओ के निशान थे जो छोटे छोटे निशान थे या छोटे होते गए जैसे जैसे ज़ाहिर आगे इंसान जैसे चलता है तो बाजू का तेज़ी में जब हम जाते हैं तो हमारे आ, निशान जो हैं वो स्मॉल हो जाते हैं और दूसरे सेंस में ज़ाहिर है छोटे वो, वो एक चाइल्ड थी एक छोटी बच्ची थी तो उसके पाँव स्मॉल थे तो उसके जो पाँव के निशान छोटे छोटे जो थे उसको वो ट्रैक करते हुए उसका पीछा करते हुए वो चलते गए और फिर वहाँ पे एक टूटी हुई कह लें कि होथॉन कहते हैं आ, एक एरिया के जो के आ, <coughs> बुशीज़ हों जहाँ पे झाड़ियाँ हों या मुख्तफ़ किस्म के इकट्ठे जो खद्रो उगने वाले कह लेंगे फूल या पौधे या झाड़ियाँ जहाँ पे उग उगी हुई हों उसको कहते हैं हिच कहते हैं हेज़ जो है आ, उसको हम आ, आप फेंस कह सकते हैं या जहाँ पे रुकावट लगी होती है एंड बाय द स्टोन लॉन्ग स्टोन वाल और फिर उस लंबी पत्थर की दीवार के साथ साथ वो चलते चलते उसके निशानों का पीछा करते हुए वहाँ झाड़ियों में से होते हुए जहाँ उगी हुई थी एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस और फिर वहाँ से होते हुए एक बड़े मैदान को उन्होंने अपूर किया द मार्क्स वर स्टिल द सेम अभी तक उसके निशान वैसे ही थे दे ट्रैक दैम ऑन और वो उसको ट्रेस करते गए उसको फॉलो करते गए नॉर एवर लॉस्ट और अभी तक वो उन्होंने लूज़ नहीं किए थे यानी कि वो उनको देख रहे थे सो दे स्टार्टिड टू फॉलो एंड टू ट्रेस द फुट प्रिंट्स ऑफ लूसी फ्रॉम द स्टीप हिल्स एज एंड थ्रू द एरियाज वेवर सो मैनी बुशीज वर ग्रॉन एंड देन बाई द लॉन्ग स्टोन वॉल दे कैप्ट ऑन वॉकिंग एंड देवर वॉकिंग ब्रिस्कली एंड फास्टली And they were following the footprints of Lucy. Then, in an open field, uh, they came and they entered uh, into an open field. Uh, then they crossed that area, and uh, the marks were still visible. They were very obvious. They were still there, and they were the same. And they uh, kept on tracking them and following them and tracing them. And they were not even lost. Uh, they didn't lose the uh, footprint, the marks. हर मार्क्स अब आगे चलते एंड टू द ब्रिज थे केम और फिर चलते चलते वो उस ब्रिज पे आ गए पुल पे आ गए दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोई बैंक और उस बर्फ़ सा जो भरा हुआ जो कह लें कि उसका किनारा था उस नदी का जहाँ पे वो पुल था उसको उससे वो फॉलो करते हुए चलते गए दिस फुट मार्क्स वन बाई वन उन फुट मार्क्स को एक एक करके इन टू द मिडल ऑफ द प्लैंक एंड फर्दर देयर वन और फिर जब वो उसके उसका जो कह लें कि आ, वो जो वुड का बना हुआ जो उसका आ, एक तख्ता कह सकते हैं आप या आ, जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं उसके बिल्कुल दरमियान में वो जो ब्रिज है उसका जो प्लैंक है उसका जो लकड़ी का लगा हुआ तख्ता है एंड फर्दर देर वर्नान और उसके बाद जो थे वहाँ पे और कोई निशान नहीं थे सो इन दिस टें दे आर नाउ दे हैव रीच्ड एंड हैव अप्रोच द ब्रिज एंड हैव Come over, and now they have reached uh, the bank of uh, the snowy bank, the bank that is filled with snow. And uh, they uh, followed the footmarks one by one, and they were still visible there. They were present there. And when they reached in the middle of the timber or the middle of the plank which was placed um, on the bridge, uh, they were not able to see any footprints anymore. They lost the footprints. Uh, so it means that uh, uh, she, uh, in that storm, uh, she went there and uh, uh, she crossed the bridge, and she, then she uh, was drowned in the stream and uh, she lost her life. Uh, so it was very devastating, and uh, very uh, sad, and shocking um, moment for her parents. Yet some maintain. दैट टू दिस डे शी इज़ अ लिविंग चाइल्ड और कुछ लोगों का ये कहना है कि उस वक्त से लेके अब तक वो एक लिविंग चाइल्ड है एक ऐसा बच्चा है जो कि Uh, ज़िंदा है दैट यू मे सी स्वीट लूसी ग्रे अपॉन द लॉन्सम वॉल्ड वल्ड कि आप देख सकते हैं उस प्यारी लूसी ग्रे को uh, किसी भी ऐसी जगह पे जो कि तन्हा हो जहाँ पे कोई और ना हो ओवर रफ़ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स अलोंग और फिर जो क्रख्त जगह हैं या बिल्कुल स्मूथ जगह हैं वहाँ पर uh, वो बड़ी तेज़ी के साथ चलती हुई दिखाई देती है शी नेवर लुक्स बिहाइंड वो कभी भी पीछे नहीं देखती एंड सिंग्स अ सॉलिट्री सॉन्ग और फिर अपना ही गीत गाती है एक सॉलिट्री जो तनहाई वाला है दैट विसल्स इन दिंड और उसकी आवाज जो है वो हवाओं में सुनाई देती है सो इन द लास्ट टू स्टैंड द पोइट हैज बिकम द पार्ट ऑफ नेचर एंड एज ऑल हीज पोइट्री इन ऑल हीज पोएम्स देयर इज अ थीम ऑफ नेचर वैदर इट्सली प्लेस्ड द नेचर इज सेंट्रली प्लेस्ड इन हर पोएम्स और वैदर Uh, he uh, puts nature as a background, or uh, he connects uh, the idea of the poem uh, in some way or the other with the theme of nature. Uh, so, there are some people who still believe that uh, she is a living child, uh, she is still living in this world, uh, but the people uh, they can see that. Uh, sweet and innocent lucy gray uh, in those areas which are lonesome which are deserted which are lonely places wilderness forests and uh, she walks there and uh, she is very happy and she is walking over the rough and smooth places and she is never looking behind and she is residing there she is dwelling there and uh, ही इज सिंगिंग अलटरी सॉन्ग दैट कैन बी हर्ड इन द इन दिन सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम अब इसमें जो है आपने इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स जो है वो सिंपल आपने रेफरेंस में लिखना है कि दिस टेंस आई या जो भी लाइन्स आती हैं हैव बीन टेकन फ्राम द पोइम लूसी ग्रे बाय विलियम वर्ड्सबर्थ या कंपोज बाई कर सकती हैं रिटर्न बाई कर सकती हैं या सिर्फ बी आप बाय विलियम वर्ड्स और पोइट का नाम आपको पता है कैपिटल लेटर से आपने शुरू करना है और लूसी में ग्रे में भी एल कैपिटल आएगा ग्रे का जी कैपिटल आएगा ये पोइम का नाम होगा पोइम का नाम और पोइट का नाम आपने इन्वर्टिड कॉमास के अंदर लिखना है ठीक है कॉन्टेक्स्ट में मैंने कल आपको पढ़ाया था कि जो मैंने क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ाई है उसी से आपने कुछ लाइन्स जो हैं वो कॉन्टेक्स्ट में लिखनी है कॉन्टेक्स्ट में बेसिक जो आपने दो तीन चीज़ों को फोकस करना है फ़र्स्ट ऑफ ऑल पोइट के बारे में लिखें सेकेंड ओवरऑल जो थीम है या सेंट्रल आइडिया है जो हम पोइम जिसमें से लाइनें आई हैं उसके बारे में लिखें और थर्ड पॉइंट ये है कि जिस जगह से वो लाइन्स आई हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है उससे वो क्या था यानी कि जैसे ये वाक़ है कि शुरू में उसका फादर उसको भेजता है तो वो वहाँ पर जाती है और स्टॉन्म आ जाता है और ये एक ग्रेजुअल कह लें कि एक हैपनिंग्स हैं या इंसिडेंट्स हैं जो आगे की तरफ जा रहे हैं तो जहाँ से लाइंस आई हैं कॉन्टेक्स्ट पे आपने उसी से मुतलका आपने स्टोरी बतानी है उससे आगे की बात आपने नहीं बतानी जो कि हो चुकी होगी आगे जाके के जहाँ तक लाइंस आपको आई हैं जितनी बात हुई है कि जस्ट अगर फर्ज करें कि उसके पेरेंट्स वैन दे आर सर्चिंग जब उसको सर्च कर रहे थे एंड दे वर वेरी सैड एंड शॉकड एंड देर हेल्पलेस एंड देर वर नो पर नो वन टू गाइड दैम टू सपोर्ट देम तो जब वहाँ तक बात है तो फिर आप एंड की बात उसमें नहीं कर सकती ठीक है अब आपने जो है वहीं तक वो बताना है कि कैसे उसके फादर ने उसको कहा और कैसे वो गई एंड शी लॉस्ट हर वे और स्टॉम केम अनएक्सपेक्टेडली बिफोर टाइम और फिर उसके बाद जो था शी लॉस्ट वे एंड शी वॉज नेवर फाउंड ये इसका कॉन्टेक्स्ट होगा ठीक है और एक्सप्लेन आपने करना है जैसे मैंने आपको सादा सादा इंग्लिश में एक्सप्लेन किया इसी तरह से आपने स्टैंडास को एक्सप्लेन करना है ओके okay, जी अल्लाह हाफिज़